युवराज सिंह ने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, पर वो कभी भी हमारे दिलों से रिटायर नहीं हो सकते। सो युवराज सिंह के बारे में कहना चाहूंगा कि इस रूट की सभी लाइनें हैं व्यस्त, पर युवराज के हौसले हमेशा रहेंगे पस्त। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 4 लाइफ लेसंस जो कि आपको युवराज सिंह से सीखने चाहिए और मुझे भी सीखने चाहिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अविनाश कुमार और चलिए स्टार्ट करते हैं। युवराज की लाइफ खुद एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, अगर उसे सीखा जाए तो बहुत कुछ हमारे सामने निकल करके आएगा। तो इसमें से जो फर्स्ट लाइफ लेसन है वो ये है, यूज योर एंगर इन योर प्रोडक्टिव वे। हम में से बहुत सारे लोग अपने गुस्से को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, पर युवराज सिंह से सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने गुस्से को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज किया जाए, तो कितने बड़े रिजल्ट को हासिल किया जा सकता है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह और हर कोई जानता है किस तरीके से उन्होंने फ्लिंट ऑफ के गुस्से पे 6 छक्के मारे थे और एक नया कीर्तिमान सेट कर दिया था, और उसे भुलाना बेहद मुश्किल है। और इस तरीके से युवराज सिंह का जो गुस्से वाला बिहेवियर है वो प्रोडक्टिव वे में सामने आया और उन्होंने कई नए नए कीर्तिमान सेट कर दिए। तो अगर हम भी अपनी लाइफ में इस गुस्से को सही तरीके से यूटिलाइज करके उस गुस्से को सही जगह पे निकाले ना, तो देखिए हम बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। अगर हम बोल करके अपने गुस्से को निकालेंगे तो सिर्फ 5 या 10 लोग सुनेंगे, लेकिन जिस समय आपका काम बोलेगा ना उस समय पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा लाइफ लेसन है। अब जो सेकंड लाइफ लेसन है जो कि हमें युवराज सिंह से सीखना चाहिए वो ये है कि वन मैन आर्मी। जी हाँ, सिंगल मैन आर्मी। हम में से बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं और चीजें हम सही टाइम पे नहीं कर पाते, पर जो युवराज सिंह है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। वो इस तरीके से खेलते हैं कि अगर 9 विकेट भी गिर गए हैं ना और दूसरे तरफ अगर युवराज सिंह खड़े हैं तो वो क्रीज पे जंप करके खेलेंगे और जब तक मैच फिनिश नहीं होगा, जब तक आखिरी बॉल खत्म नहीं होगी ना, तब तक वो डट के खड़े रहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल 5 अक्टूबर 2007 को इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था और उन्होंने क्रीज पे जंप करके खेला, हालांकि दूसरी तरफ कंटिन्यूअसली विकेट गिर रहे थे, पर फिर भी हालांकि वो मैच जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने जो स्कोर किया था 121 रन आउट ऑफ 115 बॉल्स। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि वो वन मैन आर्मी की तरह किसी भी सिचुएशन में खड़े रहते हैं, और हमें भी अपनी लाइफ में वन मैन आर्मी बनके रहना चाहिए। हमें दूसरों पर डिपेंडेंट ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग अपने काम को डिले करते हैं, हम अपनी चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाते और बाद में हम दूसरों को दोष ठहराते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। हम लोग खुद वन मैन आर्मी बन करके अपनी लाइफ में नए नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब जो थर्ड टिप निकल के सामने आती है वो ये है, सैक्रिफाइस। जी हाँ, बलिदान। अब जो सैक्रिफाइस की बात करें तो सबसे बड़ा युवराज सिंह ने किस तरीके से कैंसर से लड़ करके फिर भी वो सामने निकले और फिर किस तरीके से उन्होंने कमबैक किया अप्रैल 2012 में और फाइनली सितंबर 2012 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर फाइनली मैच खेला, और उसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि दुनिया में ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है जिससे कि हम लोग आगे नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि उन्हें मैच से भी पहले, जिस समय हम लोगों का वर्ल्ड कप चल रहा था और वर्ल्ड कप से एक नाइट पहले भी उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, उन्हें खांसी की प्रॉब्लम थी और कंटिन्यूअसली कफिंग हो रही थी, पर फिर भी वो डट के खड़े रहे और मैच को खेला और फाइनली मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो इस तरीके से सैक्रिफाइस हमारी लाइफ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है वो युवराज सिंह की लाइफ से सीखा जा सकता है। जो लास्ट क्वालिटी निकल के सामने आती है वो है नेवर गिव अप। हमें अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, जैसे कि युवराज सिंह ने नहीं किया। युवराज सिंह के सामने ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स आई वर्ल्ड कप से पहले, उन्हें जब ये पता लगा कि मेरे लेफ्ट लंग में ट्यूमर है, कैंसर ट्यूमर है, तो उसके बाद उन्हें खुद को संभलने में टाइम लग गया और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो डट के खड़े रहे, उन्होंने कैंसर से लड़ाई की और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि उन्होंने किस तरीके से कमबैक किया और फिर भी कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में लड़ते रहे और वो काम करते रहे जिस तरीके से जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उनकी बातों पे खरे उतरते रहे और नेवर गिव अप उन्होंने किया, और इसी कारण वो एक हमेशा याद रखने वाले प्लेयर है और हमेशा हमारे दिल में बने रहेंगे। तो इस तरीके से युवराज का जो लाइफ लेसन है वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए सीख देता है। ये सिर्फ जो मैंने 4 चीजें बताई है, पर बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें की बताना इम्पॉसिबल है, और उनकी लाइफ लेसन खुद एक बहुत बड़ा टीचर है हमारे लिए, जिससे कि कई चीज हम सीख सकते हैं। और उन्होंने फाइनली एक लाइफ में ये चीज सेट कर दिया कि जब आप बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे, जब आप लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, तभी आप कुछ बड़ा सा गोल अचीव करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि युवराज के 4 लाइफ लेसन आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट साबित होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं लाता हूं आपके लिए एवरी वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग अविस्पार्क्स।